हेलो नमस्कार गुड इवनिंग कैसे आप लोग अमित शेखर वापस आपके सामने आज की तारीख है 11 अप्रैल 2020 और ताजा ताजा अनाउंसमेंट है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और ये कंटिन्यू रहेगा 30 अप्रैल तक तो मुझे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोग सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं होंगे ये हमारी तरफ आ ही रहा था काफी बातें चल रही थी इसकी गौतम हाय हाय थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग तो आज के जो टॉपिक है ये कल की टॉपिक से थोड़ी अलग हो गई है क्योंकि इसके पीछे बीच में कुछ कारण आए और कारण ये हुआ कि आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसने बहुत पुरानी यादों को ताजा किया और वो यादें हैं ये काफी पुरानी हैं तो मैं आपको एक किताब दिखानी चाहूंगा दिस बुक द सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक कैनफील्ड ये काफी पहले पढ़ के रखी थी रिकमेंडेशन आई थी बट आज वापस उसको जब उनकी पॉडकास्ट उनके रिविजिट कर रहा था तो मुझे लगा कि हमारी ऑडियंस में जो कुछ बच्चे और जो यंगस्टर शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक अच्छा रिकैप रहेगा और जैक नई नई चीजें भी लेके आए हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको आज थोड़ा चेंज करते हैं और क्यों ना हम बच्चों को कुछ ऐसे सक्सेस के टिप्स दें जो खुद मैंने भी अपने ऊपर इस्तेमाल किए और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हाय आनंद भाई श्वेतांक थैंक यू बट आज हम उसको शुरुआत करें उसके पहले मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग अपडेट देना चाहता हूँ आज आ, मैंने एक और पॉडकास्ट सुनी विच वॉज बिटवीन टॉम बिल्यू एंड डॉक्टर uh, तो दो चार चीजें अच्छी जो मेरे को लगी मैं क्विकली वो आपको बताना चाहूंगा उन्होंने अपनी किताब लाइफ स्पैन में भी पैंडेमिक के बारे में लिखा था और बोला था कि ये हमारे रास्ते आ रहा है हाई सौरभ इंद्र दुर्गेश पांडे जी और उन्होंने कुछ मिथ्याएं जो थी कुछ भ्रांतियां थी उसको तोड़ने की कोशिश की और ताजा इन्फॉर्मेशन दी तो एक तो पहला था कि ये बहुत ही रियल स्केयर है इसके पहले इतनी सीवियरिटी का जो वायरल अटैक है वो हमने नहीं देखा है आ, ये किसी भी तरह से 5G से रिलेटेड नहीं है तो कुछ जगहों पे वीडियो चल रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से ये वायरस नहीं ऐसा वायरस बिल्कुल नहीं है एक और चीज उन्होंने ये क्लियर बहुत ही क्लियरली बताया वो न्यूयॉर्क में रहते हैं कि ये वुहान में किसी लैब में बना हुआ वायरस नहीं है तीसरी चीज ये किसी सांप से नहीं आया है ये पूरी पूरी तरह से एक बैट से ओरिजिन हुआ है नहीं तो एक पैंगोलिन करके एक जानवर होता उससे भी हो सकता है क्या ये वायरस नया है नहीं इस वायरस की जो फैमिली है वो 450 मिलियन साल पुरानी है मतलब डायनासोर्स में भी कोरोना वायरस पाए जाते थे तो ये वायरस इतना पुराना है हुआ क्या है उस कोरोना वायरस के नए बच्चे आए हैं तो ये जो कोविड नाइनटीन है ये दो में ये बैट से होकर के इंसानों में आ गया हालांकि एक और इंटरेस्टिंग चीज आज के पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया जो हम आजकल ई पेपर में देख पा रहे हैं क्योंकि न्यूज पेपर तो आ नहीं रही है उसमें हाई विक, हाई आ, उसमें पहली बार चाइना में कुत्तों को एज ए पेट मेंशन किया गया है लाइव स्टॉक नहीं लाइव स्टॉक मतलब आ, लाइव स्टॉक मतलब जैसे गाय बैल बकरियां भेड़ वो लाइव स्टॉक होते हैं तो पहले कुत्ते भी वहां लाइव स्टॉक में गिने, गिने जाते थे अभी उनको पेट की कैटेगरी में रखा है तो उम्मीद यह है कि अभी कुत्ते बच गए उनको वो चाइनीज न्यू ईयर पे जो डॉग मीट फेस्टिवल चाइना और कुछ कोरिया में भी होता है काफी डेलीकेसी मानी जाती है वैसे आप चौंक गए होंगे कि कुत्तों को कोई कैसे खा सकता है घबराने की बात नहीं है हमारी भी देश में कई राज्यों में खासकर जो नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां पे बड़े चाव से खाया जाता है तो इस पे कमेंट नहीं करना है हर कल्चर में अपने हिसाब से खाना पीना डिसाइड होता है तो घृणा भी नहीं करना है बट एक रियलिटी है आज के डेट में साइंस भी बोलते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हमारे खाने से दूर रहें तो अच्छा है तो वाइल्ड एनिमल्स को मारा ना जाए ना ही उनको खाया जाए हाँ उनको संरक्षित करें उसके टूरिज्म से अगर कुछ हो सकता है तो ये करने की रिकमेंडेशन हो रही है एक सबसे अच्छी बात जो डेविड सिंकलेयर साहब ने बोली कि कितना भी ये खतरनाक वायरस लग रहा है लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसकी जो फिल्म है उसकी जो पहली लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर वो लिपिड की बनी है और लिपिड क्या होती है कोई भी एक जैसे तैलीय है साबुन से उसको जैसे धोले तेल धुल जाता है तो साबुन ही सबसे इफेक्ट सबसे कारगर जो इफेक्टिव चीज है वो आप हाथ धोएं अच्छे से आ,

ग्लिटर सुराते हैं ना जो चिमकिया प्लास्टिक की जो चिपक जाती है और जब तक हटाए नहीं तो बोले वो ऐसा ही है वो खुद से मूव नहीं कर सकता तो मान लीजिए अगर यहाँ भी है तो जब तक मैं उसको अपनी उंगली से छू के फिर अपने नाक में मुंह में हेलो अगर आप लोग को आवाज आ रही मुझे किसी के पिंग आ रहे हैं अभिनव जी को आवाज शायद नहीं जा रही है तो अगर आप लोग को आवाज आ रही है तो बिल्कुल कंफर्म करें हाय रितेश उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मेरे इंस्टा के मित्रों से आप सबको आवाज आ रही है एक कंफर्मेशन दे मुझे रितेश भाई आर यू एबल टू हियर व्हाट सेइंग जरा कंफर्म करेंगे

ओके सो गॉट द कन्फर्मेशन की आपको आवाज सुनाई दे रही है थैंक यू फॉर द इंटरप आई मीन सॉरी फॉर द इंटरप्शन थैंक यू फॉर द कन्फर्मेशन सो हम बात कर रहे थे कि ये कोरोना वायरस की सबसे कमजोरी क्या है कि हाथ अगर हम अच्छे से धोएं या तो साबुन से या फिर एल्कोहल बेस्ड कोई भी जो सैनिटाइजर uh, है तो उससे निकल जाता है और याद रखें कि अपने हाथ से अपने आंखों को मुंह को और uh, नाक को नहीं छूना है अगर आप घर में भी हैं तो भी एक अच्छी हैबिट रहेगी कि हर दो घंटे पे आप उठें हाथ धोएं बच्चों को भी बोले हाथ धोने के लिए बाहर से जब आए तो हंड्रेड परसेंट हाथ धोना जरूरी है हंड्रेड परसेंट हाथ धोना जरूरी है और बाहर जब भी जाए तो मास्क लगाकर रखें अगर मास्क नहीं भी है तो किसी भी कपड़े से आपका मुंह बिल्कुल ढका होना चाहिए ये आपकी भी सुरक्षा के लिए है बाकी लोगों की भी सुरक्षा के लिए हेलो नोमान भाई थैंक यू पापा एक और चीज ये क्या मान लीजिए हमारे चमड़े पे है तो अंदर चली जाएगी नहीं चमड़े से अंदर नहीं जा सकती हमारे स्किन का जो लेयर होता है वो डेड होता है जो कैरेटिन होता है तो उसके अंदर में वायरस नहीं जा सकते ये भगवान ने प्रकृति ने बहुत अच्छी चीज बनाई है तो अगर वायरस को हमारे शरीर में जाना है तो उसे वैसी जगह चाहिए जहां पे लाइव सेल्स हैं और जो ग्रो हो रहे हैं जो कि माउथ के अंदर है नाक में है आंखों के अंदर है तो हमें इन चीजों से इन तीन चीजों को छूने से बचाना है मैंने पहले भी एक बार शायद बताया था कि एक जो एवरेज इंसान है वो एक घंटे में तेईस है ख्याल रखना और ये आरएनए तरह का वायरस है हमारे में डीएनए होता है इसमें आरएनए होता है जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है और एक अच्छी खुशखबरी ये है कि बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा है अभी तक इसकी बीस प्रकार ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए गए हैं हालांकि मुश्किल ये होगी कि वैक्सीन में इसको पकड़ लेना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन डेविड डेविडर साहब का कहना है कि इतनी जल्दी जल्दी ये ग्रो कर रहा है अपने आप को चेंज कर रहा है ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा तो भगवान करें कि वो जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाए कि उसकी जो मारक क्षमता है जो मोर्टैलिटी है वो कम हो जाए आगे देखते हैं कैसे आता है तो अभी हम बात पे आते हैं जो आज की टॉपिक है कि सक्सेस प्रिंसिपल्स जैक कैनफील्ड के हिसाब से क्या है और हमारे बच्चे इससे क्या सीख सकते हैं और क्या अपनी जिंदगी में दो चार चीजें करें तो बड़े ही कमाल के परिवर्तन आते हैं तो एक सबसे पहली जो उनसे चीज पूछी कि अगर किसी आदमी को किसी फील्ड में अगर अच्छा बनना है एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए कितना पढ़ना चाहिए तो एक मोटा मोटा एक तो हजार दिन का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को किसी एक टॉपिक को हजार दिन पढ़ें या दस हजार घंटे तक इस चीज की प्रैक्टिस करें तो आप मास्टर हो सकते हैं अभी एक ही शॉट को सचिन ने कितनी बार खेला तब जाके एक्सपर्ट हुए उसमें तो अगर आप भी किसी कोई म्यूजिशियन की बात ले लीजिए तो अगर पहली बार कोई आदमी उनकी म्यूजिक सुने बोले कमाल बजाते हैं बट तो उसके पीछे जो रियाज जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप चाहे जो भी क्षेत्र आप खोज रहे हैं आपके जो भी इंटरेस्ट के एरिया हैं उसमें आपको एक हजार दिन पूरे तन्मयता के साथ लगना है या दस हजार घंटे की प्रैक्टिस करनी है आप उसमें अच्छे हो जाएंगे इसमें उन्होंने एक और बात बताई कि जैक कैनफील्ड के एक गुरु हैं इंडिया में है उनका नाम उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया और उनके वो ऐसे हैं जो आपकी नष्ट पकड़ के पूरा बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है तो उन्होंने जिनसे सीखा वो 124 साल की उम्र तक जिंदा रहे और जब भी जैक कैनफिल के गुरु अपने गुरु के पास गए उन्होंने बोला कि मुझे आपकी विद्या सीखनी है तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ मेरे साथ रहना होगा तो पहले दस दिन तो उन्होंने उससे कुछ बोला ही नहीं बिठा के रखा इंतजार करते हुए कि सीरियस है क्या अगर सीरियस रहेगा तो बैठेगा नहीं तो भाग जाएगा अब बताइए दस दिन तक खाली बैठना है क्योंकि गुरु ने बोला है उसके बाद उनको दूसरा काम मिला बाथरूम की सफाई करो तो अगले बेचारे पांच छह दिन तक रोज बाथरूम ही धोते थे फिर गुरु जी एक दिन आए बाथरूम देखा बोले ये तो इधर गंदा है तो तुम तो एक तो बाथरूम भी अच्छे से साफ नहीं कर पाते तुम इंसान के शरीर की सफाई क्या करोगे पहले एक काम अच्छे से सीखो उसके बाद उसके बाद उन्होंने एक हजार दिन तक गुरु जी के साथ ही रहना खाना उठना बैठना तब जाके गुरु ने अपनी जो दीक्षा होती है जो ज्ञान होती है वो ज्ञान उनको दिया तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उसमें और घुस जाइए क्या क्या डिटेल्स क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं खाली टेक्स्ट बुक पे भरोसा ना करो उसके आगे बढ़ जाओ क्योंकि टेक्स्ट बुक क्या है आपको पास करने का एक माध्यम है लेकिन जो असली गहराई की नॉलेज है वो आपके मामा पापा के फोन पे शायद आपको भी फोन होगा उसके ऊपर भी है विकीपीडिया है खान है रिसोर्सेज वो चेक करें और रन ऑफ द मिल चीजें नहीं सोचे कि डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना है ना ये हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि अगले पांच साल में किन किन अभी देखिए जिस तरह से दुनिया चेंज हुई है बहुत सारे जॉब तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे तो क्या चीजें हैं जो आगे इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट की चीज है आप उसमें टॉप हो सकते हैं हम आगे बात करेंगे उसकी। right, भाई, growing, uh, uh, पे सेल बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और जो कोरोना uh, वायरस में स्पाइक प्रोटीन होती है ऊपर होती है कोरोना नाम के ऊपर है क्राउन के जैसा क्राउन कैसा जो ताज होता है ना जैसे राजा महाराजा बनते तो कोरोना के ऊपर भी वो स्पाइक देखते हैं वही स्पाइक जाके अगर वो हमारे लंग्स में चला जाता है तो वहां पे हमारी सेल्स के साथ मिलके वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और एक तरह से हाईजैक कर लेता है हमारे लंग्स के सेल्स को और उसकी जो कैपेसिटी होती है ब्रीदिंग की वो कम करने लगता है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप डब्ल्यू की साइट पे सी पे इन सब पे जाके देख सकते हैं उसकी बट म्यूकोसल मेम्ब्रेन तो जब तक ख्याल ये रखें अपनी उंगलियों से अपने मुंह को कम से कम छुए जितनी बार हाथ साफ कर सके बच्चों से करा सके उतनी अच्छी बात है तपस्या सही चीज कहा आपने भाई तपस्या बहुत है अब इसमें, एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है बचपन से ही कि बच्चे हो कि हम हो हम सब एक विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं विक्टिम मेंटेलिटी क्या है मैं तो कम पास होने वाला थे तो रिजर्वेशन की वजह से मेरा रुक गया उस टीचर ने मुझे कम मार्क दे दिए शायद मुझे वहां पे ट्यूशन मिलती शायद मुझे वो स्कूल मिलता तो ये शायद कंप्लेन एक्सक्यूज ब्लेम करना जब तक ये तीन चीजें चालू रहेंगी तो जैक कैनफील्ड साहब के हिसाब से आपको जो सबसे पहली चीज करनी है बच्चों वो है हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो हंड्रेड परसेंट और ये हम पे भी लागू होता है तो अगर हमारी बिल्डिंग में गंदगी है निकलो साफ कर लो अगर सोसाइटी के बाहर गंदगी दिख रही निकलो साफ कर लो एक नरेंद्र मोदी कहा क्या क्या करते रहेंगे तो हर सबको अपनी अपनी जगह पे वो ख्याल करना है जहां हम एक्स्ट्रा थोड़ा कर पाए करना है उसको एक याद रखिएगा एक जो प्रिंसिपल है जो जैक कैनफिल्स आपको एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत पहले उनको बताई थी प्लस आर इज इक्वल्स टू ओ ई है इवेंट्स आर है हमारा रिस्पॉन्स और ओ है आउटकम किसी भी हालत में किसी भी हालत में आपके कंट्रोल में मेरे कंट्रोल में इवेंट्स नहीं है चीजें तो होती रहेंगी लेकिन उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारा उसमें क्या रिएक्शन है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे डिसाइड होगा कि आउटकम क्या निकल के आता है अभी ये जो चौदाह पंद्रह दिन से बंद है इस चौदह पंद्रह दिन में आप पंद्रह किताबें खत्म कर सकते थे नई नई चीजें सीख सकते थे या फिर आप पचास मूवी भी देख सकते थे तो इवेंट तो सबके लिए एक है कि लॉकडाउन हो गई अब उस इवेंट में आपकी रिस्पॉन्स क्या है तो इसी तरह लाइफ में भी इवेंट्स हमेशा आते रहेंगे अच्छे बुरे कभी लाइफ फ्लैट नहीं चलती ऊपर नीचे होता रहता है बट उसमें आपकी रिस्पॉन्स क्या है

एक तो अमिताभ बच्चन जी हैं जो पंक्चुअलिटी के मामले में बेंचमार्क है मेरे, उनके जो, जो इंटरव्यूज कैसे होते हैं मालूम है वो इंटरव्यूज कार में देते हैं कि जब ट्रैवल हो रहे हो तभी इंटरव्यू कर लेंगे कई सारे इंटरव्यू तो जब भी बाथरूम में रहते हैं तभी फोन पे बातचीत में निपटा देते हैं तो देखिए भाई सबको समय तो वही चौबीस घंटे ही मिलते हैं पूरी दुनिया में चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप है कि नरेंद्र मोदी है कि आप अमित शेखर सबको 24 घंटे ही भगवान कोई इसमें बेईमानी नहीं है अब उसको हमने बच्चे खासकर इसको ख्याल रखें कि जो लिमिटेड समय है उसको आप कहां कहाँ किस चीज में डाले उसके हिसाब से आपका आउटकम निकल के आएगा तो अगर ट्रैफिक से परेशानी है पॉल्यूशन से परेशानी है तो आपके कंट्रोल में क्या है वो आप देखें आप पॉल्यूशन के कारण ना बने बाकी कंप्लेन करने को तो हम ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि <laughs> कि ग्रेविटी है वो हमें नीचे खींच कर रखी नहीं तो हम तो कब के उड़ जाते कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि गुरुत्वाकर्षण ने हमें नीचे खींच के रखा है नवान साहब बोले बच्चन जी वियर्स टू वॉचेज ऑन रिस्ट हाँ ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैसल है उनकी दो घर गर, दो घड़ियां पहनते हैं शायद उन्होंने किसी केबीसी के एपिसोड में बताया भी था कि दो घड़ियां क्यों पहनते हैं तो बात आते हैं टॉपिक पे तो जैक कैनफील्ड जी के ऑफिस में एक रूल है कि अगर जैसे कोई कंप्लेन करता है तो उसको दस डॉलर फाइन देना होता है एक बाउल रखा है उसमें डालना है जैसे कोई एक्सक्यूज लेके मैं आज लेट लेकेट दस डॉलर डालो किसी ने बोला उसकी वजह से ब्लेम किया किसी को दस डॉलर डालो और ये जो पैसे जमा होते हैं वो चैरिटी में दान कर दिए जाते हैं तो अगर हम में कॉन्शियसली ये आ गया कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे किसी चीज के लिए हम एक्सक्यूज नहीं देंगे और हम ब्लेम नहीं करेंगे तो बचा क्या करने को जो आपके वश में है So, कोई भी चीज जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में है वो हम उसपे कुछ कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है उसके बारे में हम खाली बकैती कर सकते हैं खाली बात कर सकते हैं बट उससे उस सिचुएशन उस में कोई चेंज आएगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तो हमेशा से हमारे पास जो चीजें हैं जो रिसोर्सेज हैं उसका हम कितने अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हाइडोनक सो हियर इज गिविंग हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट टू वॉट एवर यू डू जैक इसमें एक मजा के सवाल भी पूछते हैं कि क्या आ, आप वैसे किसी से शादी करना चाहेंगे जो आपसे नाइनटी नाइन परसेंट वचनबद्ध हो नहीं वहां तो हंड्रेड परसेंट चाहिए पूरा हाय अभिजीत कतार में उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा आप बिल्कुल बताएं हमें तो जैक अपनी बारे में बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रेजडीज ऊपर नीचे हुए हेल्थ की इश्यूज हुए रिलेशनशिप के इश्यूज हुए तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं कि अगर आपको मान लीजिए आप अब ये बच्चों से बर के ऊपर आते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कुछ सवाल जो उन्होंने खुद से पूछे और हम भी पूछने को इनकरेज कर रहे हैं कि क्या आपके खाने में एट्टी टू नाइन्टी प्लांट बेस्ड डाइट है क्या पौधे ज्यादा खा रहे हैं फल फूल ज्यादा खा रहे हैं क्या आप किसी तरह की फास्टिंग कर रहे हैं हर दिन या वीक में क्या आपकी जो बॉडी में आप एल्कलाइन चीजें डाल रहे हैं हमने बात की थी एसिडिटी के ऊपर में क्या आप एक्सरसाइज आपके रोज के दिनचर्या में है क्या आप चीनी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं अगर इन सब में आपके जवाब ना में है तो फिर तो सारी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं कैंसर है डायबिटीज है हाइपरटेंशन है, है ये सब तो आएंगी ही और ये हमारे भी जो तीन टॉपिक हैं उसके अराउंड है तो देखिए एक तो है एक उम्र है जो पंद्रह बीस पच्चीस तक आप जो करें जैसे करें ये बॉडी उसको संभाल लेती है बड़ी डायनेमिक है बट वंस यू हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन एज आप थर्टीज में जाने लगते हैं फिर आपको अपनी अपनी चीजों के ऊपर में थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना है तो ये सब चीजें जैसे प्लांट बेस्ड डाइट एल्कलाइजिंग फूड किसी तरह की फास्टिंग इंटरमीडियंट फास्टिंग के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं काफी काफी इंपॉर्टेंट होती है शुगर अवॉइड करना प्रोसेस्ड खाना अवॉइड करना तो अगर हम ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो जैक कैनफील्ड साहब का ये भी कहना कि अगर आप कोई एक नई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं कार खरीदते हैं वाटर फिल्टर खरीदते हैं तो उसकी किताब पढ़ते हैं मैनुअल बट हमारी जो जिंदगी हमारी जो बॉडी की किताब है जिसमें आप रहने वाले हैं इस पूरे जीवन काल में उसका मैनुअल भी कभी कभी पढ़ना चाहिए तो उसके मैनुअल में ये चीजें लिखी है कि ये सब चीजें करने से अः हम इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे जब हम हिस्ट्री पे आएंगे और जब हम बात कर रहे थे कि मानवता कैसे आगे बढ़ी है तो हमारे में और आप में जो ज्यादा खाने की जो तो प्रवृत्ति है वो कैसे आई उसके बारे में एक दिन दूसरे टॉपिक में बात होगी अभी जिन लोगों ने मेरे ब्रूस लिप्टन वाली एपिजेनेटिक्स के टॉक सुनी थी उनको याद होगा कि साइंटिस्ट तो अब ये भी बोल रहे हैं कि आप क्या खाते हैं कहाँ रहते हैं उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं तो ये नहीं कि खाली आपकी बॉडी में आपने बहुत हेल्दी चीजें डाली और आपके दिमाग में आप बहुत उतल -पुतल मची है अशांति है तो वो आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करेगा क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी सेन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं और ये जो हारमोन्स अगर कंटिन्यूसली रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं अभी अपने आप को यंग रखने के लिए उसमें भी हमने एक दिन बात करी थी तो आ, दो एज होती है लोगों की एक तो होती है एक एज क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजी मतलब जो घड़ी के हिसाब से चल रही है जैसे अभी आ, कोई आप बीस के होंगे कोई पच्चीस के होंगे कोई चालीस के होंगे और एक होती है बायोलॉजिकल एज तो आप चालीस के हो सकते हैं लेकिन आपका शरीर जो है वो अंदर से तीस का हो सकता है और वाइस एसा ऑल्सो कि आप तीस के हो सकते हैं और आपका शरीर अंदर से चालीस का हो तो ये इसके लिए टेस्ट आ गए आजकल साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल एज आप मालूम कर सकते हैं बट इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है आईना बता देता है आपको आपके आसपास के आजू बाजू के लोग बता देते हैं जब भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिले कि आपने अपनी एज बताई लोग बोले क्या मान मजाक करते हो तो मतलब आप सही रास्ते पे हैं तो ख्याल रखें इसका अपने सर के ऊपर से अपने दिमाग को फ्री करने के लिए जैक कैनफील्ड साहब जो एक चीज बता रहे हैं और बच्चे आप भी ध्यान कर, ध्यान कर से सुने यह है लोगों को माफ करना पीपल अराउंड जो आपके आजू बाजू के लोग हैं तो दिल में जो है ना वो एक गुस्सा लेकर एक उसने मेरे साथ अच्छे ट्रीट नहीं किया उसने मुझे धक्का दे दिया तो मन में उसको लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग नहीं करना है उसको निकाल देना है एक एग्जाम्पल बताते हैं कि शामंस होते हैं शामन जैसे हमारे यहाँ भगत होते हैं तो वैसे सामंस जो स्पिरिट के डॉक्टर होते हैं तो एक विला में जहाँ पे एक रिसोर्ट थी वहां पे एक लेडी थी उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थी तो शामन ने उनको बोला कि आप अभी लेट जाइए आपकी जो मसाज हो रही है इसके दौरान आपको ये ख्याल करना है कि आपको कल आज से आज किसको माफ करना है उसके एक दिन पहले किसको माफ करना है उसके करते 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 आप माफ करते जाइए तो वो माफ करते 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 छे घंटे लगे उनको और वो माफ करते करते छे साल की उम्र तक पहुंच गए दिल में इतना सारा एक गुस्सा लेके वो चल रही थी और यकीन मानिए कि वो सब जैसे उनके दिल से क्लियर हुआ उन्होंने सबको अपने अंदर से माफी दी रोते रोते सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म गायब तो आगे बढ़ते हैं और जैक कैनफिल साहब बोलते हैं कि जो गलती क्या हो रही है कि अक्सर लोग यही नहीं बच्चे भी यह तय नहीं कर पाते कि उनको चाहिए क्या एक्चुअली क्या करना है लाइफ में उसके बाद तीन सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट पहला आपको लाइफ से चाहिए क्या दूसरा आप उसको कैसे पाएंगे और तीसरा अगर आपने अपनी चाही हुई चीज पा ली तो उसका एंजॉय कैसे करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा दे रहा हूं आपको एक केवल पांच प्रतिशत लोगों को पूरी दुनिया में पता होता है कि उनको क्या चाहिए केवल दो प्रतिशत लोगों को पता होता है कि वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं और केवल एक प्रतिशत लोगों को पता होता है कि हमने जो अपनी जिंदगी में पा लिया उसको हम एंजॉय कैसे करें तो आपको अगर बच्चे आपको अगर लग रहा हो कि जो करोड़पति लोग हैं जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो तो एकदम बहुत ही खुश होंगे जरूरी नहीं आप हॉलीवुड देख लें आप बॉलीवुड देख लें करोड़पति अरबपति सितारे हो जाते हैं और सुइसाइड कर लेते हैं तो उन्होंने सक्सेस तो पा ली कैसे पाई वो उनको पता हो गया लेकिन सक्सेस को एंजॉय कैसे करना है होल्ड कैसे करना है इसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए कमाएम्पल एक, देता हूं आपको माइक टाइसन माइक टाइसन साहब करोड़पति से हो करके फिर बैंक हो गए क्यों सारे पैसे उन्होंने ऐसे क्योंकि पैसे की जो उनकी ब्लूप्रिंट थी दिमाग में कि उन्होंने खुद ये कभी नहीं सोचा कि पैसे आ, मैं पैसों के लायक हूं कैसे भी पैसे आ गए और फिर वो उनके हाथ से निकल गया तो जो पैसे हैं इसके प्रति आपकी क्या सोच है way, ये सोच आपको माँ बाप आपके और हमारे माँ हम सब ने ये सोच हमें कब तक मिल जाती है सात साल की उम्र तक तो चौथी पांचवी तक जब भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तभी हमारी हेल्थ पैसे रिलेशनशिप जिंदगी इन सब चीजों के ब्लूप्रिंट हमारे यहाँ धीरे धीरे बनने चालू हो जाते हैं तो याद रखें सक्सेस डजन मीन हैप्पीनेस तो तीन चीजें हमें जिंदगी से क्या चाहिए क्या वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे और दूसरा जब हम पहुंच गए तो उसको एंजॉय कैसे करेंगे आ, और ये जो गुस्सा है ना ये रिसेंटमेंट उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं बदला लूंगा ये जो सोच दिमाग में चलती रहती है जैक कैनफील्ड साहब का बोलना है ये ऐसे है कि आपने हैंड ब्रेक लगा रखी है और कार चला रहे हैं तो कार चलेगी अच्छे से नहीं रुक रुक कर चलेगी हैंड ब्रेक लगा है ना दूसरी बात एक दूसरी भी फिलॉसफी में बोलते हैं कि अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है और आप उस गुस्से को लेकर चल रहे हैं तो ऐसा है कि जहर आप पी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सामने वाला मर जाए कभी होता है ऐसा नहीं तो एक बातचीत में उन्होंने और बताई कि अगर लोगों में सुधार लाना है चेंज लाना है फॉर एग्जाम्पल वो जेल की बात कर रहे थे कि जेल में जो अपराधी जाते हैं तो उन्होंने भी तो अपने हिसाब से क्या किया अगर मान लीजिए कोई चोर है कोई चक्का है किसी ने गैंग में शामिल हुए हैं और उसने आपकी कार चुराई तो उसका आपसे तो कुछ लेना देना नहीं था वो तो अपने गैंग में प्रूव करना चाह रहा था कि मैं अच्छा चोर हूं अब बेचारा उसको प्रूव करने में वो जेल में गया है अब जेल में भी अगर उसको अच्छी शिक्षा ना मिले उसको सही चीज क्या होती नहीं सिखा जाए तो वहां से तो और गंदी चीजें सीख के वापिस आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको हम लोगों ने विपास ने टेक्निक की बात करी थी कि दस दिन की जो शांति वाली जो साधना होती है वो तिहार जेल में तिहाड़ जेल में ही कराया था और बेदी जी ने कराया था जो जब भी दिल्ली से दिल्ली में वो काफी कमिश्नर के लेवल की थी उनको डिमोट उन्होंने किसी नेताजी के गाड़ी को रोक दिया था तो उनको डिमोट करके आ, उन्हें तिहाड़ जेल का सुप्रिंटेंडेंट बना दिया बट उसमें उन्होंने विपासना के शिविर लगाने चालू किए और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं एकदम हार्ड क्रिमिनल्स में मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री में देखा कि जो मर्डर थे उन्होंने जा करके, जिनके पे मर्डर की थी उनसे माफी मांगी है और जिस परिवार के लोगों ने अपने एक भाई अपने एक बेटे को खोया था उस परिवार की लड़की ने उस मर्डर को राखी बांधा है बाद में क्योंकि वो जो अः के बाद उनके दिल में वो पता चला ना कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है तो जैक कैनफिल्ड साहब का कहना है कि अगर सही चीजें जेल में भी सिखाई जाए तो उसका इंपैक्ट देखा जाता of is the only of बिल्कुल, वो आ रही है और बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है अभी हम बात करें थे रिसेंटमेंट की तो आ, आज के पॉडकास्ट में ही उन्होंने एक दिया कि उनको एक सेमिनार में एक लेडी मिली बड़े गुस्से से आई और कुछ होते हैं ना लोग कि आप नॉर्मल भी उनसे सामने रहेंगे बट उनका गुस्सा कम नहीं होता और पता नहीं किस पे गुस्सा लेके चलो तो ऐसे ही एक लेडी थी वो बहुत गुस्से में आई उधर से तो उन्होंने पूछा क्या वो आप परेशान क्यों तो बोला मेरे पिताजी ने मरते समय मेरे से ज्यादा जो पैसे हैं मेरी छोटी बहन को दे दिए तो ओहो ये तो बहुत दुख की बात है ये कब हुआ था तो उन्होंने बोला ये पंद्रह साल पहले हुआ था तो उन्होंने एक सवाल पूछा उनसे कि आपके पिताजी ने तो एक बार किया आपके साथ ही आप दिन में कितनी बार करती हैं अपने साथ है? बोले पांच छह बार तो जरूर सोचती हूँ तुमने बताया आप इसको जाने दें आप ये रिसेंटमेंट लेकर अगर आप चलती रहेंगी तो इसमें और किसी का फायदा नहीं आपका नुकसान ही हो रहा है ना बट एक सुनने में तो आपको मजाक लग सकता है लेकिन आप अगर अंदर झांक कर देखे तो हम भी कुछ ना कुछ रिसेंटमेंट लेके चल उसने मेरे साथ वैसा कर दिया तो जितनी जल्दी हम लोगों को माफ करें और ये जो दिल में जो गांठ है उसको निकालें और आगे बढ़ें उतना हमारे सक्सेस के लिए अच्छा है ओके okay? अभी एक और चीज जो बच्चे हैं और आप बिल्कुल जो चाहें आप सब कर सकते हैं बट एक पांचवें छठी क्लास तक ना छठी भी नहीं पांचवे क्लास तक ही बच्चों में एक वो खुद को ना एक एक्सपर्ट मान लेते हैं कि हम तो अपने सेल्फ एस्टीम uh, के एक्सपर्ट हैं जैसे क्या क्या चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ कि नहीं हूँ ये डिसाइड कर लेते हैं आ, मैं एथलेटिक हूँ दौड़ सकता हूँ नहीं दौड़ सकता हूँ मैं अट्रैक्टिव हूँ कि अट्रैक्टिव नहीं हूँ मैं अच्छा दोस्त बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ मैं साइंटिफिकली ओरिएंटेड हूँ मैं साइंस में अच्छा हूँ कि नहीं हूँ ये सब बिलीफ हैं जो आपने अपने अपने दिमाग के अंदर में डाली है आ, मैं गाना गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता हूँ म्यूजिकल हूँ कि नहीं मैं डांस कर सकता हूँ और कुछ बच्चे बिल्कुल क्लियर रहते हैं मैं डांस कर ही नहीं सकता जबकि आपको मालूम होगा ये सीखने की चीज है बट ये ब्लू प्रिंट अपने दिमाग में बचपन से ही डालना चालू कर लेते हैं अभी आ, कुछ लोग हैं दुनिया में मालूम है आपको सबसे बड़ा डर क्या बोलते हैं बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है सोचिए बताइए भूत प्रेत का डर सांप का डर बिछुओं का डर किस चीज का डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है पब्लिक में बोलना तो आपको जब भी मौका मिले स्कूल में कुछ स्पीच देने का जाकर थॉट ऑफ द डे बोलने का या वेदर ही बताने का आप बिल्कुल आगे बढ़ें और उसको जाकर बोलें हाय समीर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग तो जो आपने ये सोच के रखा ना मैं ये नहीं कर सकता मेरे से पॉसिबल नहीं है उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए आपसे बिल्कुल सारी चीजें पॉसिबल हैं खाली आप उसपे दस हजार घंटे काम करने को तैयार हैं क्या आप उस चीज पे पूरे जिद के साथ एकदम भिड़ जाते हैं क्या गिरीश भैया थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग नौमान साहब लिख रहे हैं एंड ओल्ड अरेबिक ओल्डिकल्फ ही आइडेंटिफाइज गॉड बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अगर हमने अपने आप को पहचान लिया अपने आप को जान लिया तो उस इंसान ने उस बच्चे ने भगवान को भी जान लिया हाई वासु जी थैंक यू नायक जी थैंक यू थैंक यू फॉर योर फीडबैक थैंक यू पापा मेहमान जी थैंक यू फॉर कंफर्मिंग पवन जी को कुछ दिक्कत आ रही पवन जी उम्मीद है अभी आपको आवाज अच्छी आ रही होगी रोशन रोशन डू यू अग्री टू प्लीज बताएं मुझे विकास बोल रहे हैं हमारी रिस्पॉन्स आउटकम को डिसाइड करती बिल्कुल सही बोल रहे हैं विकास जी आप नृपिन शर्मा जी हाय कैसे हैं आप रोजी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक सवर्ण जी का बोलना है मोटिवेशनल लेवल हाई आफ्टर लिसनिंग स्कूल में भी सक्सेस प्रिंसिपल सक्सेस पॉइंट वन ऐसा कुछ रहा तो हम सब जाते बट नहीं है तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये सब चीजें बताएं जिससे वो पहले से बिल्कुल क्लियर होके रखें और एकदम जो पाना चाहते हैं जिंदगी में पाए खाली पाए ही नहीं उसको एंजॉय भी करें तो आगे हम एंजॉय कैसे करना है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे जो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी तो, तो कैसे हम अपने जो थॉट्स लेके चलते हैं जैक कैनविल ने अपनी ही एग्जाम्पल दी है कि वो जब भी छोटे थे तो किसी चीज के लिए रोने लगते थे तो उनके पिताजी तरह मैचो टाइप के थे जैसे होते हैं ना गब्बर टाइप तो जैसे बच्चा रोया तो उसको उठा के वो कार में डाल देते थे जब तक चुप ना हो जाएगा उसको कार से निकालना मत अब छोटे बचपन में ही कैनफिल्ड साहब को ये पता चल गया कि रोने से मेरा यहां कुछ होने वाला नहीं है। बट बच्चे क्या उनको जो चीज चाहिए वो नहीं चाहिए उनको वो तो कर लेते हैं तो उन्होंने सीख लिया कैसे मैनिपुलेट करना है सिचुएशन को बच्चे हमारे सबसे बड़े लीडर्स होते हैं उनको जो चीज चाहिए वो तो चाहिए एक और चीज बच्चों से सीखने वाली है उनके इंटरेस्ट लेवल उनका जो खिलौना है ना बड़ा प्यारा हो तो उसको हर जगह लेके हाँ ले लेकिन जैसे ही लटकने लटकने का दिमाग में है। बच्चे तो बड़े क्लियर हैं इसमें हाय चंचल थैंक यू आपको अच्छी लगी आज की टॉपिक मजा आया अच्छी बात है तो आगे बढ़ते हैं और कहां से जो लिमिटेड बिलीफ कैसे कैसे आते हैं उसके ऊपर में उन्होंने एक बात बती बताई है कि एक लीजा नाम की एक लेडी है जिसके साथ जैक कैनफील्ड साहब ने किताब लिखी है तो लीजा बहुत ही अच्छी एथलीट थी बहुत ही कमाल की एथलीट प्रॉब्लम एक ही थी प्रैक्टिस में फैंटेस्टिक प्रैक्टिस में एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बट जब ही एक्चुअल दौड़ने जाते थे तो हमेशा वो सेकंड थर्ड फर्स्ट तो आती नहीं थी तो जैक कैनफील्ड साहब ने ही उनसे पूछा कि ये ए, कैसे है और ये क्यों हो रहा है आप सोचें इसके ऊपर में तो उन्होंने सोचा सोचते 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 बताया और बात कहां से निकली बचपन की बात निकली कि लीजा जब बचपन में स्कूल में दौड़ के आती थी मेडल जीत के लाती थी तो उनकी माँ कभी भी उसको दिखाती नहीं थी घर में कहीं सजा के नहीं रखती थी तो उन्होंने एक दिन माँ से पूछा कि मामा आप ये जो मेरे मेडल्स हैं ये सब जो हैं ये आप आप किसी दीवार पे क्यों नहीं लगाते हैं कि लोग भी देख सकें तो उन्होंने बोला बेटा मैं जानती हूं कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आपका भाई आपके जैसा नहीं दौड़ सकता तो उसको बुरा लगता है इसके लिए नहीं लगाती तो अब बेचारी छोटी लीजा के दिमाग में यह आ गया कि मेरा सक्सेस जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है और ये उनके दिमाग में रह गया तो वो हमेशा जब वो कंपटीशन में दौड़ रही तभी उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं जीत गई तो किसी का नुकसान होगा या कोई बुरा फील करेगा आप बताइए ये प्रोफेशनल एथलीट के लिए कितना आ, डिफिकल्ट है कि आपने पूरी आ, करियर में मेहनत करी और आप कभी भी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जब भी उनकी मेंटल ब्लॉक हटी है तो फिर जीतना चालू हो गया उनका और ये मेंटल ब्लॉक आई कहां से से बचपन तो हमें और आपको भी ये देखने की जरूरत है कि क्या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे बिलीफ हैं जिसको लेकर हम चल रहे हैं जो बचपन से ही आ रही है ओके कुछ सवाल आ रहे हैं डज जंक फूड अफेक्ट इन द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफकोर्स इट फेल ऑफ कोर्स इट विल आपको एक चीज बताऊं आप जंक फूड की जो बात चल रही है तो जंक फूड में जो बेसिक कॉम्बिनेशन होते हैं वो तीन चीजों के होते हैं और बच्चे आप जो भी सुन रहे हैं मुझे आप ध्यान से सुने उसमें चीनी बहुत ज्यादा होगी उसमें नमक बहुत ज्यादा होगा और उसमें फैट बहुत ज्यादा होगा इन तीनों चीजों से जो आपकी जो ब्रेन है वो उसको हैक करते हैं एक एक नशे की हालत होती है बच्चे बच्चे बोलेंगे अभी मुझे कुछ चाहिए कुछ मीठा चाहिए अभी

प्रोसेस फूड जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें आप बच्चे हैं या आप बड़े हैं बिल्कुल अवॉइड करें नौमान साहब कुछ लिख रहे हैं यू आर गोइंग ग्रेट अ वंडरफुल फ्लो शुक्रिया भाईजान थैंक यू सो मच आपकी इंकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है uh, उससे हमें ताकत मिलती है तो लीजा की बात हो गई uh, एक और जैक कैनफील्ड साहब के ही uh, uh, बुक में उन्होंने बोला पॉडकास्ट में बता रहे थे कि सोच के देखिए एक इंसान है uh, जिनकी फैमिली में तीन जनरेशन डॉक्टर ही है दादा डॉक्टर बाप डॉक्टर भाई बन भी डॉक्टर अब बच्चे के ऊपर प्रेशर है कि उसको भी डॉक्टर ही बनना है बच्चे का बनने का मन क्या था कार मैकेनिक बच्चा बन गया डॉक्टर क्या बना एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ठीक ठाक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बट एक प्रॉब्लम थी उनको हमेशा हेडेक रहता था काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे

अब बताइए तो हमारी जिंदगी में हमको क्या करना है तो बच्चों अगर अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी सोचिए आप क्लियर हो जाए कि मुझे करना क्या है ठीक है और ये बिलीफ जो है ना ये भी एक चॉइस है तो इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैक की जो वर्कशॉप होती है उस वर्कशॉप में वो लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसे बिहेव करें कि आप सब कुछ पा गए हैं जो आपको पाना था जिंदगी में जो चाहिए था जितने पैसे जितने तो लोग ना भी एक्टिंग करते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे मैं मुकेश अंबानी हूं कोई टतन टाटा बन के बात करता है कोई नारायण मूर्ति कोई अः सुंदर पिछाई बन के बात करता है तो लोगों का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है लोग एकदम तन के ऐसे खुश होकर बात करते हैं और हमने भी एक्सरसाइज कई बार करी है आपको लोगों को रोकना पड़ेगा भाई खत्म हो गया आ जाओ पढ़ाई की बात करते हैं बोले नहीं बहुत मजा आ रहा है तो उस समय हम लोगों से पूछते हैं कि आपकी बदल क्या गई उस समय में खाली आपकी सोच बदली और खाली सोच बदलने से आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी आपकी कॉन्फिडेंस में कमाल की चीज आ जाती है तो बच्चों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वॉट यू कैन डू इज यू थिंक दैट यू हैव गॉट ऑल ऑल दैट दैट यू फ्रॉम लाइफ एंड बिहेव लाइक अरोगेंस की की बात बात नहीं कर रहा बात कर रहा रहा हूं कॉन्फिडेंस हूं फर्क होता है अरोगेंट होने में और कॉन्फिडेंट होने में तो मैं चाहता हूं हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बने और बड़े ही हम्बल रहे एकदम हम्बल रहे हम्बल कौन नारायण मूर्ति जी एकदम आप देख के भी नहीं पहचान सकते बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में बात करेंगे कभी उनके बारे भी में हम डिटेल में हाई एक एग्जाम्पल अभी देखिए कोई भी चीज जो है ना बच्चों कोई नई चीज आप करना चाहेंगे उसमें आपको तकलीफ होगी और एग्जाम्पल है मैं आप सबसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐसे अपने जो हाथ हैं उसको ऐसे फोल्ड कीजिए ये देखिए ये ऐसे है ना कि एक उंगली ऊपर आ गई ऐसे फोल्ड कीजिए ऐसे कीजिए ठीक है तो सब लोगों ने कर लिया होगा अभी मैं बोलूंगा अभी इसको दूसरा कीजिए अभी ऐसा कीजिए कि ये जो, ये जो अंगूठा है ना ये नीचे होना चाहिए करके देखिए आप लोगों ने कैसा फील हो रहा है कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल है पहले ऐसा था दाहिने हाथ ने बाएं हाथ के ऊपर रखा था अभी मैंने बोला उल्टा करने के लिए तो बाया हाथ ऊपर आया दाया नीचे गया अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे भी लग रहा है तो अगर आप कुछ ये बहुत ही नॉर्मल चेंज है तो कुछ भी चेंज करने जाए तो अनकंफर्टेबल लगता है बट यहाँ पे सक्सेस किसको मिलती है जो करेज के साथ परसिस्टेंट के साथ उसको करता रहता है क्या सचिन जी के लिए आ, आसान था कि हर दिन सुबह में वो चार बजे उठ करके स्टेडियम में जाए विदाउट ब्रेक जितने भी ओलंपिक लेवल एथलेटिक्स के लोग हैं आप किसी का भी नाम ले लें उनकी रूटीन में प्रैक्टिस 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 जो सिंगर्स हैं प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप बच्चे हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो उसमें इतना अच्छा करना, इतना अच्छा अच्छा करना घुसना है इतना अच्छा घुसना है कि दुनिया का सबसे नंबर वन बन के आना है ना? वो आपके पूरी तरह कैपेबिलिटी में है बिल्कुल कर सकते हैं आप अच्छा एक कमेंट आ रही है मुझे हाई अंकल आई एम धनियाल एंड आई एम वॉचिंग यू लाइव हाई धनियाल मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आप बहुत अच्छा करेंगे आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो उसको उसके ऊपर अमल करें और अब्बा से बात करते रहें आपके अब्बा भी आपको अच्छे अच्छे टिप्स देते रहेंगे तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो चेंज जो है वो कंफर्टेबल नहीं है लेकिन उसमें आपकी मदद करती है आपकी करेज और परसिस्टेंस अब एक करेज और परसिस्टेंस के साथ एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा फनी एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल फनी इसलिए है और टाइम ज्यादा हो रहा है तो अगर आप लोग की अनुमति हो तो एक पांच मिनट तक इसको और बढ़ाने की आज्ञा चाहूंगा आपसे तो एक स्टोरी है ये स्टोरी है एक अफ्रीकन नहीं अफ्रीकन नहीं ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड हैं। तो भेड़ चराने वाले होते हैं ना तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ चराने वाले क्लिफ नाम के एक किसान थे हैं अभी अभी उनको एक शौक था शौक ये था कि उनको दौड़ने का मन था वो मैराथन दौड़ना चाहते थे अब बताइए 60 साठ साल की उम्र में मैराथन दौड़ना चाहते हैं एक थी जबी भी मैराथन दौड़ने की वो कैलेंडर देखें तो उस समय वो फ्री नहीं होते थे उनका कुछ न कुछ काम होता था एक देखा दूसरा देखा तीसरा देखा एक उनको दौड़ अपने समय के हिसाब से मिला जिसमें वो दौड़ सकते थे प्रॉब्लम एक ही थी वो दौड़ मैराथन नहीं थी वो दौड़ थी साढ़े छः दिन की

बोले नहीं नहीं मुझे तो दौड़ना है अब भाई साहब ये दौड़ने भी गए थे तो इन्होंने ट्रैक पैंट पहना हुआ था और जो रनिंग शूज भी नहीं थे नॉर्मल वाले शूज थे जो स्पेसिफिक रनिंग शूज होते इतने लंबे दौड़ के नहीं बोले मेरे को तो दौड़ना है अब इन लोगों को डर लगा कि कहीं हार्ट अटैक वगैरह हो जाएगा तो बहुत लंबी बात है बट उनकी जो एक्साइटमेंट और थी उसको सुन के उन्होंने बोला चलो कंटिन्यू करो दौड़ लो अभी जैसे दौड़ शुरू हुई है तो सब लोग फटाफट भागे ये बेचारे पीछे रह गए प्रैक्टिस नहीं थी ना नतीजतन ये हुआ कि ये पहले दो दिन तक पीछे रहे बट क्लिफ के पास एक सीक्रेट थे जो बाकी लोगों के पास नहीं थी मालूम है क्या सीक्रेट थी ये जो तो दौड़ होती है इस दौर में दौड़ दौड़ते दौड़ते आपको एक छे घंटे का स्लीपिंग पीरियड मिलता है छे घंटे आपको सोना है ये बात क्लिफ साहब को पता ही नहीं थी कि छे घंटे सोना भी है वो तो दौड़ते ही रह गए खाया, खाया, क्या हुआ नतीजा मालूम है? क्लिफ साब ने उस दौर के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया बारह घंटे से तो क्या थी? ये बिलीफ ये पता नहीं होना भी बहुत कमाल की चीज है तो बहुत सारी चीजें जो मेंटल बिलीफ अभी मान लीजिए उनको पता होता पहले से बता के सोना है छः घंटे फिर विराम करना है आराम करके फिर दौड़ना है तो वो भी वही करके आते हम एक जंप की भी बात करेंगे आपसे बाद में कि जो मेंटल बिलीफ कैसे होती है और कैसे एक इंसान अगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े तो उसके बाद सैकड़ों लोग तोड़ के चले जाते हैं उसको लाइक like एक हाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सो एक कॉमन सी बात है कि दस सेकेंड के अंदर में एक मीटर दौड़ लेना बहुत दिनों तक नहीं पॉसिबल था लोग बोलते थे इंसान की तो कुत ही नहीं इंसान दौड़ ही नहीं सकते बट एक बंदे ने वो रोका और उसके बाद से सैकड़ों लोगों ने उसको कर लिया तो क्या टूटा बिलीफ टूटी ये पॉसिबल नहीं है करके तो बिलीफ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात भी है तो ये थे क्लिफ की स्टोरी तो उनकी जो सीक्रेट थी उन्होंने आ, उनको पता नहीं है कि रुकना भी है तो दौड़ते चले गए एक और गुरु है जो कि बोलते हैं सक्सेस लीव्स क्लूज ये बोलते हैं टोनी रॉबिन साहब सक्सेस लिव क्लोज तो आप क्या करें बच्चे जो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप देखें कि उस क्षेत्र में सबसे टॉप पे कौन से लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीजें की थी क्या आप उनसे कुछ सीख सकते हैं क्या आप बिल्कुल सीख सकते हैं और अभी के समय में जब भी आप घर में हैं आप क्या कर सकते हैं आप अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं आप नई किताबें पढ़ सकते हैं आप यूट्यूब पे अपने पसंद के चैनल्स देख सकते हैं

कि अगर आपको जिंदगी में बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप खुद को ऐसे ट्रीट करें और खुद को ऐसे बिहेव करें कि आपके पास ऑलरेडी भगवान ने बहुत पैसे दे दिए हैं तो जो पैसे वाले होते कैसे ट्रीट करते हैं, को टिप देते हैं, ड्राइवर्स को टिप देते हैं गरीबों की मदद करते हैं डोनेट करते हैं अपनी चीजें खुल के शेयर करते हैं जोर से हंसते हैं गले मिलते हैं तो आप वैसे बिहेव करना चालू करें देखें लोग आपके आजू बाजू आज रहना चाहेंगे उनको सब लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो इस तरह की वाइब में होते हैं मान लीजिए मान लीजिए आप खेल रहे हैं आप गिर गए गिरने के बाद आप चोट भी लगी है और आप लंगरा रहे हैं तो ऐसे एक वाक्य हुआ तो जैक कैंडफील्ड के जो ससुर जी हैं जो फादर इन लॉ हैं उनके सामने जैक का बेटा गिर गया और वो लिंप कर रहे थे तो उनके ससुर जी ने पूछा कि आप मुझे ऐसे चल के बताओ जो आप गिरने के पहले कैसे चलते थे तो बच्चे ने बिल्कुल वैसे चल के के बता दिया कि मैं गिरने के पहले कैसे चलता था बोला बहुत अच्छा किया वैसे ही चलते रहो तो कई लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जब गिर जाते हैं तो पहले देखते हैं कि हमें उठाने कौन आया है अगर देखे कोई नहीं है अपने आप उठ के चल देते हैं अगर देख ले कि माँ या दादी देख रही है तो जो रोना पीटना होता है उनका तो कई बार तो हमने बच्चे गिरे हैं तो हमने उठाए ही नहीं उठ जाओ कुछ ठीक है तो ये भी एक छोटी सी बच्चे बुरा मत मानना बट ये आपकी जिंदगी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है बात आ, एक और जो क्लू है कि आप कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं ये से दस लोग जो आपकी जिंदगी में जिनको आप फॉलो कर रहे हैं जिनके पास आप ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आप किस तरह के इंसान आगे जाके बनेंगे तो अपनी जो संगत है अपने जो दोस्त है, उनका हैं उनका बिल्कुल ख्याल रखें ये बड़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो दुनिया के आ, सफल लोग हैं निन्यानवे प्रतिशत नाइन्टी नाइन परसेंट वुड हेल्प यू मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा स्टीव जॉब्स का स्टीव जॉब्स जब भी तेरह साल के थे ना जो एप्पल के फाउंडर थे तेरह साल के थे तो उनको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था तो उस समय कंप्यूटर की एक बड़ी कंपनी थी एचपी हॉलेट एंड पैकर्ड अभी इन्होंने क्या किया वो एचपी साहब को फोन लगा दिया सीधे कैसे डायरेक्टरी में से फोन नंबर निकाल उनको और संयोग देखे उन्होंने फोन उठा लिया उन्हें तो बोला मुझे आपके कंप्यूटर पे आ, के पार्ट चाहिए और मुझे इंटरेस्ट है वो हंसे पहले और फिर क्या हुआ मालूम है एचपी साहब ने उनको अपने फैक्ट्री में बुला लिया कि आप गर्मी की छुट्टियां चल रही है आप आइए लाइन पे आइए काम कीजिए सीखिए और स्टीव जॉब्स ने भी यही किया उन्होंने बोला कि आप जब एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी चीज में तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप बाकी लोगों की भी मदद करें तो बच्चे आप लोग कोई भी आपके आसपास में जो है जो सक्सेसफुल आदमी दिख रहा है उससे जाएं पूछे मदद मांगे लोग आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करेंगे आप ये ना सोचे कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता आ, एक और चीज आप चाहे जिस भी क्लास में हो चौथे में हो पांचवे में हो छठे में हो दसवें में हो या फिर आप मेरी उम्र के हो मैं चाहता हूं आप एक सक्सेस लॉग बुक बनाए तो अगर मैं अपने वर्कशॉप में लोगों को अगर बोलता हूं कि आप सक्सेस अपनी लाइफ की लिखिए तो लोग एक पांच छ सात आठ दस तक जाते जाते रुक जाते हैं क्या लिखते हैं मेरी नौकरी लग गई तो वो सक्सेस है आ, मेरी पसंद की शादी हो गई तो वो सक्सेस है बट मैं तो अभी ये बोलता हूँ कि आप अगर चौथी से पांचवी में चले गए तो भी सक्सेस है एक इंग्लिश का शब्द था याद नहीं होता था वो आ गया तो वो भी सक्सेस है मैथ की पजल समझ में नहीं आती थी आपने करी वो तो आपकी सक्सेस बुक में छोटी छोटी चीजें लिखी मुझे स्वीप करना नहीं आता था मैंने सीख लिया सक्सेस मुझे लेग स्पिन नहीं आती थी मैंने करना सीख लिया सक्सेस है मुझे सोया मिल्क पसंद नहीं था आज मैं पी रहा हूं सक्सेस है तो आपकी जितनी सक्सेस स्टोरीज आप बढ़ाते जाएंगे आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है और ये दिमाग है ना इसको तो बहुत चीजें बारीकी से समझ नहीं आती तो ये अपने आप को सक्सेसफुल फील करना चालू करता है और आपके जो रिजल्ट्स है वो ड्रामेटिकली चेंज होते हैं तो जाते जाते मैं आपसे तीन चार चीजें बोलना चाहूंगा पहला है आप अपने लाइफ में क्लियर गोल डिसाइड करें आपको चाहिए क्या क्या चाहिए क्या बनना है वो डिसाइड करें अभी बहुत पिक्चर क्लियर नहीं तो भी बात नहीं सोचते रहें उस तरफ लगे रहें उसके बाद एफर्मेशन आगे आएंगे उसके ऊपर क्या होता है कि क्या चीजें आप बोलें कि अपने आप को बताते रहे कि मैं सक्सेसफुल हूं मैं सक्सेसफुल हूं विजुअलाइजेशन इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो एथलीट्स है, है, हैं, वो रात को भी सोचते रहते हैं, जो तो खिलाड़ी लिया है, मैंने ये कर लिया है मैं यहां पे, जितना आप सोचेंगे जितने दिमाग में अपनी बारीकी से सोचेंगे जितने प्यार से सोचेंगे उतनी जल्दी वो चीजें आपकी जिंदगी में होंगी इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं विजुअलाइजेशन बोलते हैं एक चीज जो अभी इस छुट्टी में आप जरूर करें मेरे सामने लगी है वो बट मैंने आप सबके लिए कॉपी भी रखी है इसको हम बोलते हैं विजन बोर्ड बनाना कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए ये देखिए ये है मेरा विजन बोर्ड ट्रैवल के लिए आप देख रहे होंगे मुझे इन सब जगहों पे जाना है तो ये जहां मैं बैठ के बोल रहा हूं ना इसके सामने ये लगा है तो मैं दिन में तो दो चार बार देख ही लेता हूं अच्छा मुझे लाइफ में और क्या क्या चाहिए क्या क्या ये देखिए ये भी घूमने की जगह है कौन से कौन से लोग हैं मेरी फैमिली में जिन पे मैं टाइम देना चाहूंगा क्या काम करना चाहूंगा देख रहे हैं आप किस तरह के होटल में रहना चाहूंगा वो सदगुरु की जगह जाना है वो कैमरे के सामने रहना है ज्यादा ये देखिए और पैसा कितना चाहिए मुझे घर कैसा होना चाहिए योगा फ्रूट हेल्थ कैसी होनी चाहिए बॉडी इसको हम बोलते हैं विजन बोर्ड तो बच्चे आप सभी अपने विजन बोर्ड बनाए एक बड़ा सा पोस्टर लें उसके ऊपर में अभी न्यूज पेपर से मैगजीन से वो चीजें निकाले जो आपको लगती है और उसको रोज देखें बहुत कमाल होता है अभी छोटी सी बात बताऊं आप सबको ये सीक्रेट है हमारे घर का लेकिन मैं तो अब भी सब मेरे घर के मेंबर्स ही थे अभी जो हमारी कार है ना बाहर में वैसे ही कार का एक फोटो लगाया था मैंने पहले और भूल गया था और भगवान ने वो कार हमें दे दी और अभी हमें वो इतनी काम आ रही इस लॉकडाउन के पीरियड में वो शुक्रगुजार है भगवान की क्योंकि अभी एम्बुलेंस भी नहीं मिलती तो अभी हम जो डैड को पिकअप एंड ड्रॉप करने जा पा रहे हैं उसमें ओके तो परसिस्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है कि आप जो चीज डिसाइड कर लेते हैं विजन बोर्ड अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर लग जाए एकदम जुट जाए और क्या आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे जरूरी नहीं है फेल भी होंगे मैं एग्जाम्पल एक 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 अक्सर लोगों को बोलता हूं अमिताभ बच्चन जी Uh, सदी के सबसे बड़े कलाकार हैं इतने बड़े हैं बट फिल्म तो उनके भी हो जाती है तो हम भी हम भी फेल होंगे, लेकिन वो करते रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं तो आप सबसे भी जाते जाते ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो करते हैं जो डिसाइड कर लिया उसके पीछे लगे रहो करते रहो ट्राई करते रहो राइट तो ये थी आज की हमारी सक्सेस प्रिंसिपल फॉर किड्स अभी तीन चीजें खासकर जो एफर्मेशन है विजुअलाइजेशन है गोल सेटिंग है इसके ऊपर हम एक टॉपिक और लेंगे और बच्चों को कुछ और टिप्स देंगे कि आप गोल सेटिंग कैसे अच्छे से कर सकते हैं क्या क्या है visualization क्या है विजुअलाइजेशन टेक्निक और विजन बोर्ड बनाने की भी टेम्पलेट क्या है जैसे मैंने आपको ये जो बताई ये विजन बोर्ड है तो ऐसे आप भी बनाए ठीक है तो हम और कुछ सक्सेस टिप्स आपसे शेयर करेंगे अपने अगले टॉपिक में आज हमने बहुत समय ले लिया उसके लिए आप सबसे पहले माफी चाहूंगा और समय है अभी हमारे सब लाइव जो दर्शक जुड़े हैं उन सबको थैंक यू बोलने का दुर्गेश पांडे जी थैंक यू सौरभ थैंक यू सो so मच विकी थैंक यू उम्मीद है अच्छा लगा रितेश भाई आप गांव से ज्वाइन हुए बहुत अच्छी बात है थैंक यू थैंक यू पापा वासुरस्तोगी जी थैंक यू मिस्टर नायक नायक जी कैसे हैं आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेहमान जी थैंक यू सो so मच पवन आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाद में इस वीडियो को देखे उम्मीद है उसमें ऑडियो क्लियर आ रही होगी रोशन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रिस्पॉन्स नृपिन शर्मा जी थैंक यू रोजी उम्मीद है आप अच्छा लगा होगा सब लोग को प्रणाम बोलिएगा मेरा अभिषेक आप पहली बार आए आ, मैंने आप पहली बार कमेंट देखी है थैंक यू सो मच आप अच्छा कर रहे हैं बहुत उम्मीदें हैं आपसे रोशन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मेहमान जी थैंक यू सो मच सुबेंदु बोल रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट वर्क्स इफ यू ड्रीम इट सीरियस यस इट वर्क्स इट ऑलवेज वर्क्स बट याद रखें जाते जाते एक बोल रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक एक्शन भी है तो आपने जिस चीज का आ, सोचा है उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो थैंक यू सो मच सुबेंदु जी एंड सौरभ शर्मा जी थैंक यू सो मच टाइम है अभी हमारे आ, लोगों को यहाँ थैंक यू बोलने का आ, नौमान साहब प्रेयर पे चले गए थे और दानियाल ज्वाइन किए थे तो थैंक यू सो मच दानियाल फॉर ज्वाइनिंग और एक बार सारे लोगों को एक बार थैंक यू बोल देते हैं गौतम थैंक यू श्वेतान थैंक यू सो मच आनंद भाई थैंक यू नोमन भाई थैंक यू सो मच रोनक थैंक यू अभिजीत शेट्टी थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव वीडियो को ज्वाइन करने के लिए फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच गुड नाइट बाय टेक केयर अपने ख्याल का सोच का ख्याल रखें दिमाग को अपने को कंट्रोल में रखें गुड नाइट बाय बाय टेक केयर आप लोगों से भी बाय बाय जल्दी मिलते हैं बाय बाय